Hello friends, in this video segment we will discuss about the morphology of flowering plant or morphology of flowering plant ka lecture 20 hai jisme hum log introduction of fruit ke bare mein discuss karenge. To fruit ko hum log do ya teen video lecture mein discuss kar lenge. To ye pehla video segment hai jisme hum log fruit ke introduction ke bare mein dekhenge. Bahut hi chhota sa video segment hoga क्योंकि अगर मैं सबको एक साथ करूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा और काफी बड़ा हो जाएगा और आपको जो है बोरिंग हो जाता है अगर बड़ा लेक्चर होता है. तो मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको इसलिए ब्रेक कर रहा हूं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट में देखिए, व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या है. फ्रूट ओवरी मॉडिफाइड इंटू फ्रूट, जो आपकी ओवरी है वो मॉडिफाई होती है फ्रूट में और जो ओब्यूल है वो सीड में मॉडिफाई हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ओवरी मॉडिफाई इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ओब्यूल क्या होगा, ओब्यूल सीड में मॉडिफाई हो जाएगा. फंक्शन फ्रूट का, फ्रूट का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सीड एंड सेकेंड वन इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड, दूसरा है डिस्पर्स करना. तो प्रोटेक्शन, सीड का प्रोटेक्शन करना और सीड का डिस्पर्सल करना जिससे कि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके. टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, फ्रूट को हम लोग कॉर्प भी कहते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे यहां पे. तो देखिए, ये मैंने एक फ्रूट लिया है जिसका नाम मैंगो है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आम हिंदी में कहते हैं इसको. और इसका सेक्शन करके हमने देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. तो यहां सबसे बाहर की तरफ आपको एपिकार्प मिलता है, सबसे बाहर की तरफ एपिकार्प जो कि छिलका है और राइपेंड फ्रूट का छिलका आप निकाल कर उसका फ्लैसी पार्ट खाते हो तो जो फ्लैसी पार्ट आप खाते हैं दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प, उसको हम लोग मीजोकार्प कहते हैं. दिस इज सीड, ये सीड है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है और इस सीड के बाहर एक हार्ड कोट होता है, हार्ड स्टोनी कोट एंड दैट इज कॉल्ड इंडोकार्प. तो इस फ्रूट मैंगो में जो एडिबल पार्ट हुआ वो एडिबल पार्ट है मीजोकार्प. ओके, इंडोकार्प एक हार्ड कवरिंग है सीड की जो सीड को कवर करती है. एपिकार्प फ्रूट के बिल्कुल बाहर की तरफ है. एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प ये तीनों मिलकर पेरिकार्प बनाते हैं. पेरिकार्प मींस सीड के बाहर. पेरिकार्प इज डिवाइडेड इंटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प. ओके, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ओवरी एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ओब्यूल. ये ओब्यूल से जनरेट हुआ है और ये ओवरी से जनरेट हुआ है. तो इस फ्रूट का मेन फंक्शन क्या है, इस सीड को प्रोटेक्ट करना और इस सीड का डिस्पर्सल करना. कुछ देख लेते हैं हम लोग कैसे ट्रू फ्रूट कैसे होते हैं, फॉल्स फ्रूट कैसे होते हैं. तो हम लोगों ने देखा था यह थैलेमस है, इसके ऊपर ये आपकी ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, इस ओवरी के अंदर यहां पे आपको ओव्यूल मिलता है. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन में देखिए स्टिग्मा और स्टाइल का पार्ट है, वो लेकर जाता है मेल स्टेमिन को फीमेल तक. तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका कोई फंक्शन रह नहीं जाता. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस स्टिग्मा एंड स्टाइल डीजनरेट्स, तो ये डीजनरेट कर जाती है और यहां से निकल जाती है. ये जो बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट फॉर्म्स द फ्रूट. तो यहां पे जो बचा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है जो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, ये ट्रू फ्रूट बनाता है, ये ट्रू फ्रूट बनाता है, इसको हम लोग यू कार्प कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो इसका एग्जाम्पल है. दूसरी तरफ आपने देखा था कि जब मैंने आपको इंफीरियर ओवरी के बारे में बात की थी जिसमें कि थैलेमस पूरी तरह से उसको अपने अंदर ढक लेता है, एक हाफ सुपीरियर भी था जो आधे तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर था और ये जो स्ट्रक्चर था ये पूरी तरह से ढक लेता है. थैलेमस पूरी तरह से ओवरी को ढके हुए है. तो यहां देखिए, ये थैलेमस पूरी तरह से ओवरी को ढके हुए है, ठीक है. तो ये जो फ्रूट बनाएगा, दिस फ्रूट इज द फॉल्स फ्रूट, ये यहां से निकल गया और ये जो फ्रूट बना, दिस फ्रूट इज कॉल्ड फास्ट फ्रूट.
फॉल्स फ्रूट आर स्यूडोकार्प, या इसको स्यूडोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल में जो पार्ट आप खाते हो दैट इज एक्चुअली अ थायलमस, वो एक थायलमस है। अंदर जो सीड दिखती है आपको, उस सीड के बाहर भी आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखता है जो एक डिफरेंट कलर लिए हुए होता है, एक्चुअली दैट इज अ ओवरी। वो ओवरी है और उसके अंदर ओब्यूल्स है और बाहर ये थैलमस का पार्ट है जो आप इडिबल है, खाते हो आप थैलमस को। ओके, तो दिस इज फॉल्स फ्रूट। तो जो थैलमस से डिराइव हो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं और जो ओवरी से डिराइव हो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट या यूकार्प कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके और भी एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी, फिग, मलबेरी। तो याद रखिएगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, फिग, दे आर फॉल्स फ्रूट, दे आर नॉट अ ट्रू फ्रूट, दे आर नॉट अ यूकार्प। पार्थेनोकार्प, पार्थेनोकार्प तीसरा टर्म आता है, द फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई फ्रूट है अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्प कहते हैं। कार्प मतलब होता ही है फ्रूट और इसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना, केला, पार्थेनोकार्प विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। चौथा पॉइंट है जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक फ्रूट एम्स में पूछा जा रहा है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है एम्स का। जियोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट प्रेजेंट अंडरग्राउंड, ऐसा फ्रूट जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट हो, ऐसे फ्रूट को हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली में क्या होता है कि इसकी जो फ्लावर होते हैं वो तो एरियल होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो घूमकर नीचे चला जाता है और ग्राउंड के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एक्चुअली ग्राउंड नट इज नॉट अ ट्रू नट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नट? तो नट नहीं है लेकिन इसका नाम ग्राउंड नट है। कुछ एक दो पॉइंट और है नोट्स में, देख लीजिए। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमेन से डिराइव्ड है। जब किसी फ्लावर में उसका स्टेमेन स्टेराइल हो, मतलब स्टेमेन इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट रिप्रोडक्टिव, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ऐसे स्टेमेन को स्टेमिनोड कहते हैं। पिस्टिलोड, पिस्टिलोड क्या है? पिस्टिलोड के पास स्टेराइल कार्पल होते हैं, कार्पल प्रेजेंट है लेकिन वो स्टेराइल है। तो ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेराइल कार्पल होगा उसको हम लोग पिस्टिलोइड फ्लावर कहते हैं, स्टेमिनोइड फ्लावर कहते हैं। तो यहां पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो सेगमेंट था। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आप, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने लाइक्स जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड माय रिक्वेस्ट अगेन टू शेयर इट टू द नीडफुल एस्पिरेंट्स, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। इन द लास्ट, धन्यवाद।